जोहार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और मेरे YouTube चैनल सुकांति के किचन में आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए मैं किचन में क्या कर रही हूँ, और यहाँ पर मूंग मसूर का दाल मैं निकाल रही हूँ, अभी डिनर के लिए बना रही हूँ। तो उसको धोकर मैंने पकने के लिए अच्छे से रख दूंगी। अभी 4-5 पानी से मैं दाल को अच्छे से धोकर ले लिया है और धोने लगी हूँ अभी। तो बस अबर कर रही हूँ फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये देखिए मैं दाल को ऑलरेडी मैं धो के ले लिया है, और अभी दाल से थोड़ा सा ऊपर पानी डालिए, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो कुकर से जो पानी ज़्यादा डाल देंगे तो सीटी लगते समय बहुत सारा पानी निकल जाता है, फिर सीटी लगने में गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं नमक नमकदानी में ख़त्म हो गया था तो नमक निकाल रही हूँ, और नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार दाल में, और 2 सीटी आने तक मैं कुकर में गैस में रख दूँगी, पकने दूँगी। तो मूंग मसूर की दाल 2 सीटी से ज़्यादा ना पकाएं, और ज़्यादा सीटी लगा दोगे तो एकदम से गीला हो जाता है, फिर आपकी दाल खुले खुले नहीं बनेगा और एकदम गाढ़ा दाल भी अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। ये देखिए मैं गैस में रख दिया है पकने के लिए, और तब तक मैं सारे घर का साथ साथ काम कर लेती हूँ। किचन बहुत फैला हुआ था, उसको मैं सिमट रही थी, और अभी नमकदानी में मैं नमक निकाल रही हूँ, नमकदानी में ख़त्म हो गया था नमक। तो देखिए साथ साथ मैं कैसे काम कर रही हूँ, ऐसे करना पड़ता है काम, और मेरा किचन तो ऐसे भी भर जाता है जब खाना बनाने लगो, या तो शाम होते ही किचन भर जाता है। भैया दीदी कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, कुछ कुछ निकाल कर पूरा किचन फैला देते हैं। तो अभी मैं 2 दिन पहले मेथी साग आया था, उसको मैंने साफ करके फ्रिज में रख दिया था, और ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेथी साग बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। आलू मेथी के साथ, मेथी आलू के साथ बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। और कोई कोई बनाते हैं बहुत कड़वा लगता है बोलते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी जो कि कड़वा लगेगा नहीं और खाने में बहुत टेस्टी बनता है। और चलिए देर ना करते हुए मैं साग को पहले धो लेती हूँ, और उसके बाद बारीक बारीक काट लूँगी। उसके बाद आलू को भी कितने कैसे पीस वीस में काटूँगी वो आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए मैं पहले साग को धो लेती हूँ। साग को मैं पहले से साफ करके रखी हूँ, तो पहले साग को मैं धो लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने साग को धोकर ले लिया और मैं काटने लगी हूँ अभी साग, और सारे साग को मैं काट लूँगी बारीक बारीक, और आप लोग भी बारीक बारीक काटें साग को, जितना बारीक काटोगे उतना अच्छा, मतलब आलू मेथी की साग भी मतलब अच्छा लगता है देखने में भी, और बहुत बड़े बड़े काट दोगे तो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए मैं काट कर ले रही हूँ, और बहुत ही शानदार मेथी आलू की सब्ज़ी बनता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे दे मिस टमाटर कॉर्न सूप बना रही, पॉकेट वाला पाउच वाला साग काट रही थी, साग काटना छोड़ दिया, अब मैं सूप बना रही, बाद में साग को बनाऊंगी। दाल में सीटी लग चुका है, तो दाल कैसे छोंक लगाते हैं, और मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ तो कैसे छोंक लगाते हैं वो दिखाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम हेल्दी दाल बनाऊंगी। तो बिना स्किप करे देखें वीडियो को, ब्लॉग को, और जिसके जिसके घर में गरम मसाला खाने में परेशानी होती है, मेथी खाने में परेशानी होती है, तो इस दाल का रेसिपी जरूर देखें। और मैं बिना गरम मसाला की खाना बनाती हूँ, बिना मिर्ची का खाना बनाती हूँ, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी के साथ। और अपने घर में हंसी खुशी से आप लोग रोजाना आप लोग अच्छे अच्छे खाना बिना गरम मसाला बिना मिर्ची का खाना बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बनाए रहें, मैं फटाफट सूप को बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आलू मेथी आलू की रेसिपी, खास करके जो बहुत लोग बोलते हैं कड़वा लगता है कड़वा लगता है, लेकिन आज मैं ऐसे रेसिपी ऐसे आलू मेथी के साग बना कर दिखाऊंगी जो कड़वा नहीं लगता है और बहुत टेस्टी बनता है, इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं लगता है। तो जब वीडियो में कंटिन्यू बने रहें तभी आप लोगों को रेसिपी देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए मैंने साग काट लिया है, और
आलू भी छोटे छोटे चार काट लिया है, ये देखिए बारीक बारीक काट लिया है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस पे काट लीजिए। और कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, और छः सात दाने मैंने लहसुन को छील कर ले लिया है ये देखिए, और इसको मैं अभी इसमें कोट कर ले लूँगी। कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है, अभी ऑयल डाल देती हूँ। अपने अंदाज से जैसा सब्जी के हिसाब से लीजिए, ज़्यादा तेल मत लीजिए, मीडियम तेल लीजिए। मैं दो बड़ा करछी तेल डाल रही हूँ, तो तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं लहसुन को कूट लेती हूँ। दो हरी मिर्च काट रही हूँ ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी में हूँ तब पूरा नहीं सजाया, तो मैं ये देखिए मैं ऐसे पीसेस में काट लिया है हरी मिर्च को, लहसुन का साथ ही मैं डालूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, देख लीजिए टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा डालूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो साथ ही साथ जीरा ब्राउन हो चुका है, लहसुन भी ऐड कर दिया, हरी मिर्च भी साथ में ऐड कर दिया। हल्का ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन ना करें, धोकर फूल कर दोबारा से धोया थाली को, खुले कढ़ाई में ही बिना ढक्कन ढके आलू को मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे मतलब ब्राउन होने तक। ध्यान से देखिए वीडियो को बिना स्किप करे देखें मैं कैसे बना रही हूँ। तो देखिए मैं साग डाल दिया है और आलू को थोड़ा ब्राउन होने दिया, आवाज़ उस समय मैं बात कर रही थी, एग्जॉस्टन चल रहा था, इसलिए मैं रिपीट करके बोल रही हूँ। आलू को अच्छे से ब्राउन कर लीजिए, अच्छे से पहले भून लीजिए, उसके बाद साग को भून लीजिए और साग को डाल दीजिए, भून लीजिए बोल रही हूँ। और ये देखिए कितना साग को पकने में अभी देर नहीं लगेगा, और आप लोग इस समय जब लहसुन जीरा डालती है तेल में डालते हैं उस समय अदरक भी डाल सकते हैं, और कटी हुई बारीक बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा जो मेथी साग का कड़वापन है वो और थोड़ा निकल जाता है, और बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी होती है। इसमें भी बहुत अच्छी बनती है, एक बार ऐसे बनाकर देखिए, देख लीजिए जैसे जैसे मिला रही हूँ साग पकता जा रहा है। अब इससे मैं 5 मिनट के लिए ढक ढक कर मैं पकाऊंगी साग पकने तक। आलू तो पक चुका है, साग पकने तक 5 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने दाल सीटी लगाया था तो पका कि नहीं पका वो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना बढ़िया पक चुका है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स दाल को तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैं एक करछी गरम करने के लिए रख दिया था, और करछी गरम होने के बाद मैंने घी ऐड कर दिया, देख लीजिए 2-3 टीस्पून मैंने घी ऐड कर दिया, और घी गरम होने के बाद जीरा ऐड कर दिया, जीरा को ब्राउन होने दिया, ब्राउन होने के बाद साबुत लाल मिर्च ऐड कर दिया, साबुत लाल मिर्च को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने दिया, उसके बाद मैंने लहसुन ऐड कर दिया, लहसुन को ब्राउन होने तक मैंने घी में पकाया, उसके बाद देख लीजिए कुकर में कितने आराम से ढाकन के साथ ही छौंक लगाया और बहुत ही शानदार दाल बनकर रेडी हो गया है। देख लीजिए फ्रेंड्स मैं बेसब्र दे रही हूँ, और नमक थोड़ा कम था तो मैं नमक ऐड कर दिया और थोड़ा सा, और यहाँ पर साथ साथ आलू मेथी का सब्जी भी बनकर रेडी हो गया है, मेथी आलू की सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दाल का तो छौंक लग चुका है देखा आपने, तो चलिए फ्रेंड्स आज का आलू मेथी की रेसिपी और दाल की रेसिपी आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक